नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का एक साल हुआ पूरा। सरकारी स्कूलों में हो रही पढ़ाई का निरीक्षण करने का एस सिद्धार्थ का अनोखा अंदाज। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों को CBI ले जाएगी दिल्ली। 61 दिन बाद आज से शुरू हो जाएंगे मांगलिक कार्य। पूर्व खिलाड़ी ने दिया विराट को सुझाव। 2011 वर्ल्ड कप में धोनी के प्रदर्शन की दिलाई याद। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का एक साल हुआ पूरा। नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा रेल यात्रा को सुखद और सुगम बनाने के लिए कई राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है, जिसे देश की जनता का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। वहीं इस बीच पटना से रांची के लिए परिचालित की जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपने सफर का एक साल शुक्रवार को पूरा कर लिया। वहीं एक वर्ष की यात्रा पूरे होने के अवसर पर रेलवे अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि इस ट्रेन से अब तक 1,64,000 यात्रियों ने अपनी यात्रा की है, जिससे रेलवे को 31.32 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर बंद करना होगा रेफर का खेल। स्वास्थ्य विभाग का सख्त निर्देश। बिहार के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक माह OPD में न्यूनतम 3,000 मरीजों के इलाज का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया है। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को दी गई है। बिहार के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों का बिना OPD में इलाज किए ही शहरों के बड़े अस्पतालों में रेफर करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हर महीने OPD का डाटा HMIS पोर्टल पर समय से दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया है। 61 दिन बाद आज से शुरू हो जाएंगे मांगलिक कार्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करीब 61 दिन बाद आज शनिवार से मांगलिक कार्य शुरू होने जा रहे हैं। आमतौर पर मई और जून में शादियों का सीजन होता है, मगर इस साल 29 अप्रैल को शुक्र और 6 मई को गुरु अस्त हो जाने की वजह से मई और जून महीने में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त नहीं थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह के मुहूर्त के लिए गुरु, शुक्र और सूर्य का उदय रहना जरूरी माना जाता है। वहीं आज 29 जून को शाम 7:52 पर अषाढ़ कृष्ण सप्तमी तिथि को शुक्र पश्चिम दिशा में मिथुन राशि में उदय होंगे और शुक्र के उदय होने के साथ ही मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने 300 कार्टून विदेशी शराब किया बरामद। पटना मध्य निषेध विभाग और मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के रेवा रोड से एक ट्रक से तकरीबन 300 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब बरामद किया गया। वहीं इसके साथ ही ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। अभी तक के पूछताछ में जो पता चला है उसके अनुसार ट्रक चालक प्रकाश कुमार जाट मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और उसे लखनऊ के एक टोल टैक्स के पास से ट्रक पर लोड शराब को बिहार लाने के लिए दिया गया था। सरकारी स्कूलों में हो रही पढ़ाई का निरीक्षण करने का एस सिद्धार्थ का अनोखा अंदाज। शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक की ही तरह नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने और विद्यालयों में औचक निरीक्षण करने में लगे हुए हैं, भले उनका तरीका के पाठक से थोड़ा अलग हो। ऐसा ही कुछ नज़ारा शुक्रवार को देखने मिला, जब शिक्षा विभाग जा रहे एस सिद्धार्थ पटना सचिवालय के पास के सरकारी स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे बच्चों के पास पहुंच गए और स्कूलों में हो रही पढ़ाई के बारे में पूछताछ करने लगे। इस दौरान एस सिद्धार्थ ने बच्चों से उनके नाम पूछे और स्कूल के बारे में भी जानकारी ली और एक बच्चे की होमवर्क कॉपी को भी चेक किया कि शिक्षक ने होमवर्क कैसे चेक किया है। बच्चों से बात करने के पश्चात एस सिद्धार्थ ने बच्चों की पीठ थपथपाई और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और गाड़ी में बैठकर शिक्षा विभाग के लिए निकल गए। पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार के कर्मियों को मिली बड़ी राहत। शुक्रवार को राज्य सरकार के कर्मियों को पटना हाईकोर्ट के तीनों जजों की पूर्ण पीठ द्वारा बड़ी राहत मिली है। कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना पाने के लिए विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना अब जरूरी नहीं होगा। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति नानीताज्ञा और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पूर्ण पीठ द्वारा एक साथ 5 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया, जिससे राज्य कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। जुलाई महीने में बिहार में होगी जमकर बारिश। जून महीने में राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में मॉनसून की बारिश उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। वहीं अब मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट से लोगों को राहत मिलने के आसार हैं।
मौसम विभाग के अनुसार इस बार 1 जुलाई से खूब बारिश होगी। वहीं 29 और 30 जून को भी पूरे बिहार में मेघ गर्जन के साथ कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इस वजह से पूरे बिहार में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज और कल यानी 30 जून को बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि शेष जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार हैं। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों को सीबीआई ले जाएगी दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में शुक्रवार को सीबीआई द्वारा झारखंड के हजारीबाग से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन शामिल हैं। तीनों को एजेंसी द्वारा शुक्रवार रात को करीब 10 बजे हजारीबाग से पटना लेकर आया गया। वहीं शुक्रवार देर रात तक हजारीबाग ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की जाने की भी खबर है। इसके अलावा सीबीआई ने 27 जून को बिहार के पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अब तक गिरफ्तार किए गए सभी 7 आरोपियों को सीबीआई की टीम दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी आरोपियों को प्लेन से दिल्ली ले जाया जाएगा। पटना से हावड़ा जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, शरारती तत्वों की खोज जारी। एक बार फिर बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है। शुक्रवार को पटना से हावड़ा जा रही वंदे भारत ट्रेन पर मोकामा में हाथीदह जंक्शन और बरहिया स्टेशन के बीच असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, जिससे ट्रेन की खिड़की का शीशा टूट गया। अचानक पत्थर फेंके जाने से यात्री भी डरे हुए थे। हालांकि किसी यात्री को चोट आने की खबर नहीं है। आरपीएफ द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। पथराव करने वाले शरारती तत्वों की पहचान के लिए कार्रवाई जारी है। बिहार में सट्टा चलाने वाला 10 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड के तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के आरा जिले से ऑनलाइन गेमिंग ऐप रेड्डी अन्ना और लोटर का पैनल चलाने वाले 10 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी पकड़े गए आरोपी बिहार के ही बताए जा रहे हैं, मगर उनका मुख्य सरगना भिलाई का रहने वाला है। दुर्ग एडिशनल SP क्राइम ऋचा मिश्रा ने बताया है कि भिलाई टाउनशिप का रहने वाला ओम सिंह नाम का युवक बिहार के लड़कों की मदद से ऑनलाइन सट्टा ऐप रेड्डी अन्ना 250, लेजर 21 और लोटस 23 के नाम से अलग अलग 3 पैनलों का संचालन करवा रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लाए गए इन प्रस्तावों पर हुए विचार। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार बैठक में राजनीतिक और सांगठनिक प्रस्ताव लाया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में संगठन से जुड़ा प्रस्ताव लाया गया, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपनी पूरी आस्था जताई है। आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। वहीं आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव भी लाया गया है। इसके अलावा राज्य में पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने और स्पेशल पैकेज की मांग भी उठाई गई है। वहीं आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लाया गया। महज 9 दिनों में 5 पुल गिरने पर तेजस्वी ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर कसा तंज। बिहार में लगातार एक के बाद एक पुल गिरने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को मधुबनी में पुल गिरने की घटना सामने आई है। पिछले 9 दिनों में बिहार में कुल 5 पुल गिरने की खबर है। वहीं अब इसे लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार पर तंज कसा है। तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, बधाई हो, बिहार में डबल इंजन सरकार की डबल ताकत महज 9 दिन में केवल 5 ही पुल गिरे हैं। नीतीश के बेटे को लेकर दिए गए लवली आनंद के बयान पर मचा सियासी घमासान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री की मांग जदयू नेता द्वारा पिछले कई दिनों से की जा रही है। अब इसी कड़ी में जदयू सांसद लवली आनंद ने निशांत के पॉलिटिक्स में आने की मांग करते हुए विवादित बयान दे दिया। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का स्वागत करते हुए लवली आनंद ने कहा कि पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो क्या खेती बाड़ी करेंगे। वहीं अब राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उनके इस बयान को शर्मनाक और किसानों का अपमान करार दिया है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव में हजारीपुर सीट से चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री बने लोजपा प्रमुख चिराग पासवान पहली बार पटना पहुंचे, जिनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से किया।
वहीं इस दौरान चिराग के साथ उनकी पार्टी के चारों सांसद भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री की जो जिम्मेवारी सौंपी है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी इसकी तैयारी में मजबूती के साथ जुटेगी ताकि जो जीत लोकसभा में बिहार में मिली है वही जीत विधानसभा चुनाव में भी मिल सके। पूर्व खिलाड़ी ने दिया विराट को सुझाव। 2011 वर्ल्ड कप में धोनी के प्रदर्शन की दिलाई याद। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाना है। वहीं विराट कोहली का फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने अभी तक खेले 7 मैचों में केवल 75 रन ही बनाए हैं। उनके मौजूदा फॉर्म को लेकर लगातार क्रिकेट जगत में उनकी आलोचनाएं हो रही हैं। वहीं अब पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली को एक खास सलाह दे डाली है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए कोहली को 2011 वनडे विश्व कप फाइनल में MS धोनी के शानदार परफॉर्मेंस की याद दिलाते हुए कहा है कि धोनी भी विश्व कप टूर्नामेंट के दौरान अपने फॉर्म हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे मगर फाइनल में उन्होंने नाबाद 91 रन बनाए। मोहम्मद कैफ ने आगे लिखा कि विराट को भूल जाना चाहिए कि खराब फॉर्म में है, उनके पास ये हीरो बनने का अच्छा मौका है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, सादुल्लाह पालवी, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद असगर कमल, रवि कुमार राम, राजकिशोर महतो, छोटू रजा, गोनर सरमान, औसाद रजा, राम बाबू दास, बाबुल मरांडी, अजीफा फिरदौस, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, विजेंद्र सिंह, रकीब रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत के किस खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।